हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। आज एक चूल्हा जो लकड़ी से चलता है, इसमें यहाँ से आप लकड़ी डालिए, यहाँ लकड़ी डालिए, नीचे से यहाँ से लकड़ी डालेगी इसके अंदर। बिल्कुल ब्रांड न्यू लेके आया हूँ मैं, और ये गोलाई में लेकर आया हूँ, इधर से साइडों से गोलाई है। मैं इससे पहले 3-4 चूल्हे यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ से गल जाया करते क्योंकि यहाँ पानी रुक जाता था, वो इस सरफेस में का ऐसे था। अब इस पर पानी रुकने की कोई हिसाब किताब नहीं है, तो यहाँ जो है ये गलने का इसकी गुंजाइश नहीं है, और इसकी चद्दर भी मोटी है, 16 गेज की बताई है। मान लो बेईमानी भी की होगी तो 18 गेज की चद्दर तो लगा ही रखी होगी। और यहाँ से आप जो है इनलेट है, वाटर इनलेट यहाँ से होता है, यहाँ से पानी डलेगा। यहाँ जो आँच जलेगी वो इस एरिया के अंदर, ये जो थोथा एरिया है इसके बीच में जो है पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को वो गर्म करेगा और यहाँ से गर्म पानी हमारा आउटलेट आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं 10 साल से इस प्रकार के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। ना तो बिजली का कोई चूल्हा, ना कोई सोलर का कोई चूल्हा, कोई भी चूल्हा इसका मुकाबला कैसे नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस चूल्हे के अंदर बहुत इंस्टेंट पानी गर्म होता है। सिर्फ एक दिक्कत आती है, एक बार आप इसको चला दीजिए, इसको जला दीजिए पेट्रोल से, डीजल से, पेट्रोल थोड़ा सा डाल के फटाक से आप आग लगा दो, या कोई सूखी लकड़ी फटियाँ हों, या कोई गंदे कागज़ के टुकड़े हों, उनसे एक बार आग शुरू कर दो इसकी। उसके बाद इसको बीच बीच में लकड़ी डालते रहो, तो ये आपको जो है कभी धोखा नहीं देगा। बहुत अच्छा चूल्हा, एक बार शुरुआत करने की देर है इसको, उसके बाद इतना इंस्टेंट पानी गर्म करता है कि मैं दावा करता हूँ कि कोई बिजली का कोई चूल्हा, बिजली का कोई गीजर और सोलर कोई हीटर, कोई भी इतनी जल्दी पानी गर्म करके आपको नहीं देगा, इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी ये गर्म करके देगा। इसलिए मैं इसका दीवाना हूँ, और इससे मैं चौथा मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इस पर और बेस्ट क्वालिटी का लेकर आया हूँ, क्योंकि उससे पहले वो गल जाते थे, यहाँ से गलते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ से गल जाते, फिर हमें वो या तो ठीक कराएं, रिपेयर कराएं, या उनको कबाड़ में डालो। और दूसरा आज मैं कबाड़ में उसको डाल के दूसरा ये ले आया हूँ। इसकी कीमत है 2100 रुपये, 18 किलो का है, सब कुछ मिला के, ये मिला के नीचे एक जाली होती है इसके अंदर, जिसके अंदर से क्या जाता है, इसके अंदर से हमारा जो राख बनती है वो इस नीचे गिरती रहती है, यहाँ राख इकट्ठी हो जाती है नीचे। आपको तसला जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि वरना आपकी जो है छत जो है या जो भी फर्श है उसको ये जो है गर्म ज़्यादा कर देगा, और वो नुकसान के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ ये लग जाती है, इधर से मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये जाली। इसमें लग गई है और इंस्टेंट चूल्हा है, इसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप जो है सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।